यहाँ पे पूरी झुंड बनी रहेगी और नशा करते बैठे रहेंगे, कभी कोई सुल्ली पिएगा, कभी कभी कोई क्या बोलते हैं एमडी खाते दिखेगा, हर चीज खुले आम यहाँ पे वहाँ पे हर जगह जिधर वहाँ से लेके यहीं तक देखती हूँ कि इधर के किधर किधर के लड़के लोग आते हैं, गाड़ी भर भर के आते हैं नशा लेने के लिए आते हैं, और यहीं पे हम लोग देखते हैं कि लड़के लोग बैठे रहते हैं और गंदी नज़र से भी देखते रहते हैं, फिर भी हम लोग बोलते हैं कि चलो यहाँ पे हम लोग नए आए, हम लोग अकेले कुछ नहीं बोल सकते, पूरी पब्लिक रहेगी तो बोलेगी तो हम लोग बोल सकते। एक घोषणा दो, नशा बंद होना चाहिए। बोलो बोलो, कोई भी बिगड़े ना। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरें। आज भी हम खड़े हैं महाराष्ट्र नगर मानकुर, महाराष्ट्र नगर इंदिरा नगर में, जहां पर एक 3 दिन पहले कुछ एक घटित घटना घटी थी, उसी को चलते हम यहां पे मौजूद हैं। यहां पर हमने एक और वीडियो चलाई थी कि यहां पर बड़े पैमाने पर नशे का कारोबार होता है और लोग यहां पर आज जागरूक हुए हैं। यहां पर महिलाएं हैं स्थानिक, उन्होंने नशे का भी विरोध करते हुए यहां पर जमा हुए हैं। खबरें आज भी से बात करेंगे किस तरह से यहां पर नशे का कारोबार होता है। नाम बता दीजिए अपना। कुलसुम शेख। क्या होता है और क्या होता है शाम के टाइम यहाँ पे? सब लड़के बैठे रहते कुर्सी डाल के, नशा विशा करते, क्या क्या करते मालूम नहीं है, बस मस्ती मजाक करते है। अभी हम लोग को भी छोटे छोटे बच्चे लोग को छोड़ने के लिए डर लगता है, क्योंकि अभी जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए था, बहुत गंदा काम हुआ है ना, वो बहुत घटिया काम हुआ है। ये लोग भाड़े पे रहते हैं, आज है कल चले जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, हमारा खुद का घर है, हमारे घर में भी बच्चे हैं, हमारे गलियों में बहुत सारे बच्चे, लेकिन हमको अभी डर लग रहा है कैसे छोड़ेंगे बच्चे लोग इधर। कहीं ना कहीं वो हादसा हुआ, लोग डरे हुए हैं, सब डरे हुए, हम भी डरे हुए, मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे उनको भी छोड़ने डर लगता है, मेरे लड़के हैं 2, फिर भी मुझे डर लग रहा है कैसे छोड़ने का, मैं खेलने भी नहीं भेज पाती मेरे बच्चे लोगों, दिन भर घर पे तो रह नहीं सकते ना बच्चे, कहीं ना कहीं तो उनको निकलना ही है घर से बाहर। तो क्या लगता है ये मामला नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए था, बहुत गंदा काम हुआ है, जो भी हुआ है। लोगों में ऐसा चर्चा है कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर नशा होता है, पता नहीं वो सबका तो पता नहीं है, बस लड़के लोग बैठे रहते हैं, हमको जाने आने में प्रॉब्लम होता है, हम यहाँ से चुप चुप के जाते हैं मीटर बॉक्स के साइड से, क्यों सब वहीं बैठे रहते, अब उनको बोलेंगे तो उल्टा लड़ने के लाएंगे, इसके लिए हम लोग उनको बोलते भी नहीं है, हम जैसे जी रहे थे वैसे जी रहे, लेकिन अभी जो हुआ है ये बहुत खराब काम हुआ है और इसके खिलाफ होना चाहिए कुछ ना कुछ। तो इसके खिलाफ जो हुआ है और यहाँ की पुलिस यहाँ की सतर्क होना चाहिए आगे ये घटना ना घटे, आप क्या कहेंगे इसके बारे में जो घटना हुई है? अभी क्या बोलें, यही सबको तकलीफ है, सबको बच्चे हैं बड़े बड़े, छोटे हैं बड़े हैं, किसी को कुछ हो जाएगा तो हम लोग किधर जाएंगे, हम लोग को यही तकलीफ है कि इधर ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर शाम के टाइम बहुत सारी गर्दी, हाँ रहता है, बाहर से लड़के लोग आते हैं, बाहर से आते हैं, अपने गली के बच्चे लोग रहते हैं तो उन लोग को बैठाना जरूरी है, बाहर से इंसान लाना जरूरी है, अपने तकलीफ हो रहा, बाहर बच्चे लोग निकलेंगे कैसे, किसी के स्कूल जा रहे हैं, कोई किसी के ट्यूशन जा रहे हैं, कैसे बच्चे लोग जाएंगे। तो क्या लगता है घटना हुई अच्छा नहीं हुआ? नहीं, हम लोग को कुछ नहीं तकलीफ है, उनका खाली यही तकलीफ है कि इधर बच्चे लोग को बहुत मुसीबत हो रहा है। प्रशासन से क्या मांग करेंगे आप? हम लोग को ये चाहिए कि इधर लुखा लो नहीं चाहिए, प्रशासन से मांग करेंगे। हाँ, यहाँ की स्थानीय पुलिस यहाँ पर आती है कभी? नहीं, जल्दी नहीं आती, जब कुछ होता तब भी आते हैं। हाँ, जिन लोग दुनिया में सब करते हैं उन लोग को ये भी सोचना चाहिए, हमारी भी बहन है, हाँ आज हम दूसरे की बहन के साथ में ऐसे किया, कल हमारी बहन के साथ में कोई ऐसा किया तो क्या हम बर्दाश्त करके लेंगे क्या? हमारे पास भी 2-3 दिन करके लड़कियां हैं, हम लोग कैसे छोड़ेंगे अपने बच्चे लोग को बाहर? हाँ, अभी हमारी बेटी इधर ट्यूशन में आती है, कैसे छोड़ेंगे हम हमारे बच्चे को? आज ये बच्चे के साथ में ऐसे हो, कल हमारे बच्चे के साथ में होएगा नहीं होगा, इसका क्या गारंटी है? हाँ, कुछ ऐसा इंसाफ होना चाहिए जैसा ना हो, अभी इधर हुआ है किसी और भी जगह, हम लोग बहुत सुनते हैं औरतों को बच्चों को सबको ऐसा हो रहा है, लेकिन क्यों होता है, किस लिए होता है? अरे इतना जोश है तो अपनी बीवी के पास जाओ ना, हाँ क्यों करने का किसी मासूम बच्चे के साथ में ऐसा, छोटी सी बच्ची है ना वो, बच्चों को न्याय मिलना चाहिए, बस बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। क्या अभी मारो, इसमें कोई किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, जिसके घर का बच्चा है वो माँ बाप भी जानते हैं हमारा बच्चा क्या करता है, लेकिन वो पाबंदी क्यों नहीं देते हैं? जब उनको सजा मिलेगी तो उनके माँ बाप को भी सजा मिलेगी, आज उसी माँ बाप को यहीं खड़ा करके नंगा करके नचाओ तो कैसा लगेगा उनको? उनको समझ नहीं आती, शर्म नहीं आती, अपने बच्चों के लिए लड़ने चौंक जाते हैं, उनको समझाने में सक्षम नहीं है, क्यों किस लिए? क्या लड़कियां क्या है, लड़की किसी की जागीर है क्या? कोई कुछ भी करेगा चलेगा, है हर औरत खड़ी होकर कोई भी यहाँ नंगा करके मारो, तुम डरोगी तो
तो डरते ही रहोगी। नंगा करके मारो, औरत ऐसी नारी है जो नंगा करके दौड़ा दौड़ा के मारेगी ना, तब इनकी गांड की चर्बी निकलेगी, इनका नशा इनके गांड में घुसा के छोड़ने का। कभी डरने का नहीं, मरना हजार बार जीना एक बार अच्छे के लिए मर जाना सबसे बेहतर है, इतना तो सुन लो। और मार मार के नंगा करके जो भी भड़ुआ यहाँ आता है नंगा करके मारो उसको, कोई भी हो कितना भी बड़ा हो, कहीं भी जाना है वहां जाओ, लेकिन ऐसा मार मारो कि वो कभी पीने के लायक ना रह जाए। कमी नहीं है, माँ बहन नहीं है, ये करने की चाहत किसकी है? यहाँ बैठते हैं उनके माँ बाप यही के होंगे ना, कहीं और के नहीं होंगे, उनकी बहन भी होगी। उस बच्ची पर शर्म नहीं आई, लाज नहीं आई, दया नहीं आई, हया नहीं आई? आए क्या कहता है धर्म, कहता है मजहब, कहता है कौन सा ईमान कहता है कि ये करो? आए नशे में हो तो अपनी माँ बहन के पास जाओ, जाओ अपनी माँ बहन को देखो, तब तुम्हारी माँ बहन को खलेगा कि मेरा बेटा क्या कर रहा है। आज दूसरे के लड़की को हुआ ना तो माँ बोलेगी मेरा बच्चा नहीं है, मेरा बच्चा नहीं है। अरे भोसड़ी, तू भी एक नारी है, मैं भी एक नारी हूँ, वो भी एक लड़की है। आ? उस माँ, उस औरत के दिल पे क्या गुजर रहा है? उसका कलेजा फट रहा है, तेरा कलेजा तो नहीं फट रहा होगा, क्योंकि तेरा बेटा है, तू तो सोचती है मेरा बेटा बचा रहे। आ? क्या औरत क्या है? औरत क्या किसी को कोई खिलाता है, कोई पहनाता है, कोई अगर लड़की घूमेगी नंगी तो कोई हंसेगा, उसको बस्तर नहीं देगा, इज्जत लूटने के लिए बराबर आ जाते हैं। ज्यादा दूर मत जाइए, जैसे लगातार जिसको जिसको लगातार अगर जैसे लड़के हैं, ठीक है, लड़कियां नहीं है, वो बिचारी लोग अल्लाह ताला से दुआ मांगता, अल्लाह मेरे को लड़की दो, मेरे को लड़की दो। अभी कौन सी माँ दुआ मांगेगी जो मुझे लड़की दो? हम लोग सब लोग अपने बच्चों लोग को लड़कियों को ही संभाले, क्यों? लड़के लोग का भी फर्ज बनना चाहिए ना, जो हम लोग नहीं कर रहे सब खेल हो गया। आजकल दुनिया में सब खेल हो गया। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक औरत हम लोग की जैसी दो बच्चे की माँ, उसका इतना बुरी तरीके से हालत किया, बिचारी काम देखने गई थी, काम देखने गई थी तब बिचारी का ऐसा हालत हो गया, उसकी वजह से सब औरत लोग हम लोग काम पे जाना बंद कर रहे, क्यों, किस लिए? सवाल इधर का नहीं है, इधर ये लाभुक हो गया है सब जगह में रेपिंग, लेकिन क्यों होएगा? अगर तुम लोग अगर जेंट्स हो तो तुम लोग का भी तो माँ है, बहन है, आज अगर तुम लोग की बहन होती तो कैसा लगता तुम लोग को? उतनी उम्र की मेरी भी लड़की, इसकी भी लड़की है, क्या बीत रहेगा वो माँ के ऊपर? ये होना बंद होना चाहिए हर जगह में। पैसा पाया खैली में रख लिया। जो सबसे बड़ा आप बताए नशे यहाँ, पहली बात हम लोग को यहाँ पे आके अभी 2 महीना ही हुआ है, ठीक है, 2 महीना हुआ है हम लोग को आके यहाँ पे, और 2 महीने में मैं जो देखी हूँ ना, क्योंकि पहली एक घटना हमारे साथ ऐसी हुई थी कि जब मेरी ननंद मतलब जो जा रही थी यहाँ से, जब वो लड़के लोग यहाँ पे नशा कर रहे थे, खड़े थे, तो क्या बोलते उसको कि इसको कहे तेरी भाभी जा रही है, तेरी भाभी जा रही है, ऐसा बोला गया था। पहले हम लोग जब नए नए आए थे यहाँ के लड़के लोग, तो उसका आदमी गुस्से से उन लोग को देखा, देखने के बाद वो लड़के लोग इधर 20-25 उसको मारने के लिए उधर भागे, वो शरीफ है, वो ये सब उसको ये सब समझता नहीं है, उसको मारने के लिए उधर भागे। पहली छेड़खानी हमारे साथ ये हुई थी कि लड़के लोग आए, बोलता किसको बोला, किसको बोला, सामान लेके आए मारने के लिए, हम लोग को इधर लड़के लोग जमा हो गए थे, पहले हमारे साथ ये हुआ। अब हम लोग हमेशा यहाँ ही से आते जाते देखते, यहाँ पे पूरी झुंड बनी रहेगी और नशा करते बैठे रहेंगे, कभी कोई सुल्ली पिएगा, कभी कभी कोई क्या बोलते हैं MD खाते दिखेगा, हर चीज़ खुले आम यहाँ पे वहाँ पे हर जगह, जिधर वहाँ से लेके यहीं तक देखती हूँ कि इधर के किधर किधर के लड़के लोग आते हैं, गाड़ी भर भर के आते हैं नशा लेने के लिए आते हैं, और यहीं पे हम लोग देखते हैं कि लड़के लोग बैठे रहते हैं और गंदी नज़र से भी देखते रहते हैं, फिर भी हम लोग बोलते हैं कि चलो यहाँ पे हम लोग नए आए, हम लोग अकेले कुछ नहीं बोल सकते, पूरी पब्लिक रहेगी तो बोलेगी तो हम लोग बोल सकते, लेकिन हम लोग बोलते हैं हम लोग को क्या करने का उससे, लेकिन आज हमारे हमारे साथ ऐसा हुआ है तो यहाँ पे पूरी फैमिली रहती है, कैसा नहीं कि यहाँ पे खाली छेड़े भाई ये लोग रहते, पूरी फैमिली रहती है, आज हमारे साथ हुआ है, आज ये मैटर गर्म है तो आज कोई नहीं बैठ रहा है, लेकिन 15 दिन के बाद फिर वही चीज इधर होने लगेगी। हमारा बोलने का मतलब ये है कि 15 दिन के बाद इधर यही मैटर होएगा, इसके लिए हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पे ये मैटर ना हो, यहाँ पे ये मैटर ना हो, ये मैटर खत्म होना चाहिए, बस हम लोग ये चाहते हैं। हम लोग की बच्ची के लिए हम लोग खुद लड़ने के लिए खुद लड़ रहे, और पुलिस वाले हम लोग को बहुत सपोर्ट दिया और आज भी दे रहे, और लोग का
उन लोग से हम लोग को कोई शिकायत नहीं है कि उन लोग ने हम लोग के लिए कुछ किया नहीं किया। उन लोग ने हमारे लिए बहुत कुछ किया और बहुत सपोर्ट दे रहे और बहुत अच्छा काम भी किया उन्होंने हमारे लिए। और मेरा बोलने का मतलब खाली यही है कि आज के बाद यहाँ पे कोई लड़के नहीं बैठना चाहिए, ना नशा इधर हम लोग को किसी को कुछ ऐसा दिखना नहीं चाहिए। जो दिखेगा फिर हम लोग को मालूम है, आप ये पब्लिक जानते कि उनके साथ उनको क्या करना है। बैठ के मारो पकड़ के उसको, चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा भाई हो, चाहे कोई भी हो, बैठ के पकड़ के उसको मारो। नशा इधर होगी तो बस हमको यही बोलना है। तो ये नशे का जो कारोबार होता है उसी के तौर पर यहाँ पर पब्लिक देख सकते हैं कितना ही आक्रोशित है। कि हमने भी दो दिन पहले जब इस नशे के ऊपर वीडियो चलाई तो ट्रॉम्बे पुलिस तंत्र के अधिकारियों ने हमें हमारा चैनल को दबाव डाला और यहाँ पे नशे का ऊपर वीडियो डिलीट करने की बात की और गुनाह दाखिल करने की बात कही। लेकिन हम यहाँ के सीनियर पीआई जो है ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन से और यहाँ के डीसीपी राजपूत से यहाँ भी हम बात करेंगे। यहाँ पर हमेशा रात को गश्त लगाई जाए, हर एक घंटे के बाद यहाँ पर पुलिस का पहरा लगाया जाए कि जो ये घृणित अपराध हुआ है, दुर्कर्म हुआ है एक छोटी बच्ची के साथ में, कल एक बड़ा भी घटना और भी घट सकती है। इसके लिए यहाँ पर लोगों की आक्रोश है। जो यहाँ पर नशे का कारोबार सबसे ज़्यादा बेचा जाता है वो पुलिस को भी मालूम है, बेचने वाले कौन है और ख़रीदने वाले कहाँ से आते हैं वो पुलिस को भी मालूम है। क्योंकि पुलिस को बिना हफ्ता लिए या बिना उनको साठगांठ में ये नशे का कारोबार होता ही नहीं है। जबकि अगर पुलिस चाहे तो यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं सकते। लेकिन जोन 6 के अंदर जितने भी पुलिस स्टेशन है सबसे बड़े नशे का कारोबार यहाँ पर सभी पुलिस स्टेशन के हद में होता है। तो क्या नशा बेचने वाले पुलिस को हफ्ता नहीं देते होंगे, ये पब्लिक से सवाल है। और आप भी इस मुहिम में शामिल हो जाइए और ये नशे का जो कारोबार है हर वक्त अगर आप पुलिस के ऊपर कंट्रोल 100 नंबर है उस पर फोन करिए, नहीं तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9920144624, उस नंबर पे आप कंट्रोल करके हमें ये चैनल को जानकारी दे सकते हैं कि यहाँ नशे का कारोबार होता है। देश प्रदेश के लिए देखते रहिए खबरें आज भी।